Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about lesson number 1, Eid in Canada, for class 4, subject English, general aims. To enable the students to learn how to speak words and letters correctly, to enable the students to write correctly letters of English, to train the students to read English correctly, specific aims, to let the children how Muslim festivals are celebrated in non-Muslim countries, to let the children know the importance of our country and the independence we enjoy in our country. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स मुस्लिम फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे और वो मुस्लिम फेस्टिवल्स नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में कैसे सेलिब्रेट होती हैं इस चैप्टर में आप स्टूडेंट्स पढ़ेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स रीडिंग पेज 1. द लास्ट फ्यू डेज ऑफ रमदान वी आर पासिंग रेदर क्विकली फॉर बुशरा. रमज़ान के आखिरी दिन बहुत जल्दी से गुजर रहे थे बुशरा के लिए. रमदान पासस अवे सो स्विफ्टली. शी टॉक टू हर सेल्फ ईद उल फितर वॉज जस्ट 3 डेज अवे. रमदान बहुत आराम से गुजरा. उसने खुद से सोचा कि ईद उल फितर सिर्फ 3 दिन दूर है. Both the Eids are special occasions for Muslims. In Canada, Eid al-Fitr is not an official holiday. दोनों ईद बहुत ज़्यादा ख़ास त्यौहार है मुसलमानों के लिए और कनाडा में ईद उल-फितर एक ऑफिशियल हॉलीडे की तरह नहीं है. All schools and stores are open. सारे स्कूल्स और दुकानें खुली होती हैं. इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल डे. और ये एक नॉर्मल डे की तरह दूसरे कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है. मुस्लिम्स गेट टुगेदर बिफोर स्कूल एंड वर्क फॉर सलातुल ईद. मुसलमान एक साथ होते हैं स्कूल से पहले ईद उल फितर के नमाज के दौरान. द सेलिब्रेशंस आर हेल्ड ऑन द फॉलोइंग वीकेंड एट द इस्लामिक सेंटर. और वो त्यौहार छुट्टियों में मनाते हैं इस्लामिक सेंटर में. सम पीपल टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क टू सेलिब्रेट द ओकेजन. और कुछ लोग छुट्टी ले लेते हैं काम से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए. Most of the Muslims children prefer to stay at home that day. और बहुत सारे बच्चे घर में रहना प्रेफर करते हैं इस दिन. बुशरा picked up the telephone and rang her friend Samia. बुशरा ने टेलीफोन किया अपनी दोस्त सामिया को. Are you coming to the center for Salatul Eid? क्या तुम आ रही हो सेंटर में ईद के नमाज के लिए? यस वी आर एंड सो आर राबिया एंड हामना. बिल्कुल हम आएंगे. राबिया और आमना भी आ रही है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स पास गुजरना स्विफ्टली तेज़ी से. ओकेजन्स तकरीब. नॉर्मल डरा हुआ. सेलिब्रेशन तकरीब. प्रेफर तरजीह. पिक उठाना. आर ख्वाला एंड ईमान ऑल्सो कमिंग आस्क बुशरा. क्या ख्वाला और ईमान भी आएंगी बुशरा ने पूछा. आई डोंट नो येट. मुझे अभी तक नहीं मालूम. I shall telephone them late in the evening because they have basketball practice today. मैं उन्हें शाम में फ़ोन करके पूछूंगी क्योंकि उनका आज basketball practice है. Why don't we ask them when we see them
ऐद सलातुल तरावी सैन बुशरा, क्यों ना हम उनसे पूछे सलातुल तरावी के बाद? बुशरा ने कहा, गुड आइडिया, एग्रीड सामिया, अच्छा ख्याल है। सामिया एग्री हो गई। आफ्टर सलातुल ईद वी आर गेटिंग टुगेदर एट उजमाज हाउस, ईद के नमाज के बाद हम एक साथ होंगे उजमा के घर में। विल यू एबल टू कम, क्या तुम आ सकती हो? नो आई कांट, माई पेरेंट्स कैन नॉट गेट अ डे ऑफ, नहीं मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे वालिदैन की छुट्टी नहीं होती। देयर इज़ समबडी टू टेक मी देयर, कोई नहीं है कि मुझे लेके जाए वहाँ, रिप्लाइड सामिया। सामिया ने जवाब दिया, आर यू कमिंग टू द इस्लामिक सेंटर एट द वीकेंड फॉर वन डिश पार्टी, क्या तुम आ रही हो इस्लामिक सेंटर में छुट्टी के दिन वन डिश पार्टी के लिए? आई वुडन्ट मिस इट फॉर द वर्ल्ड, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी व्हेन यू, मैं इसे मिस नहीं कर सकती, और जब और कॉल करना बिल्कुल मत भूलना। डिफिकल्ट वर्ड्स, येट अभी तक, इवनिंग शाम, आइडिया ख्याल, पेरेंट्स वालिदैन, रिप्लाई जवाब देना।